राजधानी लखनऊ में समदर्शी समाज पार्टी ने की प्रेस वार्ता। 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते बैठक कर प्रत्याशियों की सूची जारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम राजपासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान शाह और राष्ट्रीय संस्थापक संयोजक चंद्रभान सिंह पटेल के द्वारा सभा को किया गया संयुक्त रूप से संबोधित और कहा गया कि 70 साल हो गए आजादी को, जनता ने कई बार सत्ता परिवर्तन किया किंतु आज भी मूलभूत अधिकारों से है वंचित। आइए देखते हैं सुलेमान अहमद की रिपोर्ट। भैया आज अपना परिचय देते हुए बताइए, आज किस मुद्दों पर लेकर आपकी प्रेस वार्ता है? मैं विश्राम राजपासी, समदर्शी समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमने जो ये समदर्शी समाज पार्टी बनाया है समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में धारा अनुच्छेद 15 में दिया था कि देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, लेकिन आज़ादी से अब तक जाति दंगे होते रहे हैं, जातियों के आधार पर लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है और इस देश में आर्थिक असमानता सिर्फ 3% के लोग धन धरती शिक्षा राजनीति मीडिया व्यापार और न्यायपालिका पर काबिज है। हम चाहते हैं कि इस देश के दलित पिछड़े मुसलमान को जनसंख्या के आधार पर इनकी भागीदारी मिले। आज जो सूची जारी कर रहे हैं, कहां कहां से आप लड़ा रहे हैं? हमारी सूची जो है, हम लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़ और अमेठी, रायबरेली, उन्नाव से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लखनऊ से कौन आ रहा है? हमारे लखनऊ से श्रीमती नरगिस शाह हैं, जो एक तेज तर्रार महिला हैं, महिला की भागीदारी है। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों पर कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाह है, मैं समदर्शी समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारा मुद्दा है देश में फैली हुई जो जात पात की लड़ाई है, इस पर हम लोग संघर्ष करके एक प्लेटफार्म पर हिंदू और मुसलमान को लाना चाहते हैं। अगर मस्जिद में नमाज अजान की सदा बुलंद हो तो हिंदू भाई को खुशी हो और अगर घंटी बजे मंदिरों में तो हमारा मुसलमान भाई खुश हो। यही हम लोग चाहते हैं कि देश में एकता बनी रहे, तभी हमारा देश विकास करेगा। हम लोगों ने आज अपनी पार्टी संघर्ष समाज पार्टी के प्रत्याशियों की हमें सूची जारी करनी थी और जो हमारे पार्टी के मूल उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को मैं आप लोगों से बातचीत के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। पार्टी का उद्देश्य क्या है? पार्टी का उद्देश्य मुख्य रूप से है समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा। सात प्रत्याशियों की घोषणा की है जिसमें कि लखनऊ की श्रीमती नरगिस बानो, मोहनलालगंज से श्री राम सागर पासी जी, बाराबंकी से धनी राम रावत जी, अमेठी से मोहम्मद इसराइल और रायबरेली से श्री शिवशरण पटेल, प्रतापगढ़ से सोमू पासी, उन्नाव से मोहम्मद कादिर गुलाम। इसके अलावा और कितने जिलों से आपके प्रत्याशी रहेंगे? ये तो अभी इसके बाद में हम लोग छठे चरण के बाद तय करेंगे। संभावना? पार्टी का गठन कब हुआ? पार्टी का गठन 4 अगस्त सन 2017 को हुआ। पार्टी आपकी जो चुनाव लड़ रही है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? पार्टी हम लोगों का जो मानना है कि आज आज़ादी के 70 साल हम लोगों के बीत रहे हैं। 70 सालों के अंदर हम और हमारे लोगों ने सत्ता परिवर्तन बहुत बार देखे हैं, कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के माध्यम से
आम जनमानस का यानी जनता का कोई उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी सत्ता परिवर्तन करने आते हैं वो जनता के बीच में या तो झूठे वादे करते हैं या उनको लालच देते हैं, इसके माध्यम से उनको ठगने का आज तक काम किया है। नेताओं का तो परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन के माध्यम से नेताओं की व्यवस्था का तो परिवर्तन हो गया, लेकिन जो भारत का आम वोटर है उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चुनाव से पहले जो भाजपा इंदिरा सरकार में, उन्होंने भी यही कहा था जी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। चुनाव से पहले सब इस तरह बोल बचन करते हैं, इस तरह लोग कहते हैं, लेकिन हम लोगों का मानना है कि जो हम लोग कहते हैं हम वही करेंगे। इसके लिए आप लोग चाहें हमसे शपथ पत्र ले लीजिए, अभी ले लीजिए, मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूँ, जनता को दीजिएगा जी। क्या आपकी पार्टी इस बार प्रत्याशी पहली बार उतार रही है, विधानसभा में भी उतारे थे आप लोगों ने? पहली बार उतार रही है, हम पहली बार प्रत्याशी अपने उतार रहे हैं। कितने जिलों में आपके पास जिला अध्यक्ष हैं? हमारे पास जो 7 कैंडिडेट हमने दिए हैं इनमें हमारे जिला अध्यक्ष हैं। मैंने पूछा आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कुनबाय कहाँ कहाँ पे जिला अध्यक्ष है आपके पास? जो 7 प्रत्याशी हमने दिए हैं ये 7 जिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारा काम चल रहा है, चूँकि मात्र 1 साल की पार्टी है, मतलब ये माना जाए कि आपके 7 जिलों में ही जी काम हो रहा है जहाँ पे आपने अपने। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने बिहार में किया है, 10 जनपद बिहार में हमारे स्टैंड है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अन्य स्टेट में चुनाव कहीं नहीं लड़ेंगे? अभी कहीं नहीं लड़ेंगे। और क्या आप किसी के साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे? गठबंधन की राजनीति तो मुझे करना ही नहीं, गठबंधन से केवल नेता का फायदा होता है, आम जनता का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी नीतियां अलग अलग होती हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये लोग गठबंधन करते हैं और जनता को उसके हक अधिकार से वंचित करके अपनी भलाई के लिए काम करते हैं। आपकी पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे? हमारी पार्टी का मुख्यालय जनपद बाराबंकी में मनिकापुर एक गांव है, सुल्तानपुर हाईवे पर, वो हमारा अभी केंद्रीय कार्यालय बना है। प्रदेश कार्यालय हमारा सहारा हॉस्टल के गेट नंबर 3 के सामने भरवारा रेलवे क्रॉसिंग के दाहिने हाथ पहले बना हुआ है।